हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैसल राणा एक बार फिर से नए वीलॉग के साथ। और एक आज जो जगह चूज़ की हमने, वो उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ी मशहूर इंग्लिश कहावत है कि व्हेन यू फीड अ मैन अ फिश इट यू ओनली फीडिंग हिम फॉर वन डे, बट व्हेन यू टीच हिम हाउ टू फिश देन इट स्टेज विद हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो आज का जो वीलॉग है वो बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग आए हैं फिशिंग के लिए। और एक बात बताता चलूँ मैं आपको, ऑस्ट्रेलियंस की जो ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल है, ये लोग ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो पानी से बड़ा प्यार करते हैं और पानी के करीब रहना पसंद। में रहने का मतलब है कि फ़िशिंग जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने कैप्टन का जो कि अभी बोट को लेके आ ही रहे हैं। हमें 4 बजे का टाइम दिया था और ऑलमोस्ट 4 हो गए हैं। हम थोड़े अर्ली आ गए थे, थोड़े एक्साइटेड थे, तो हमने कहा चलें यार जल्दी जल्दी अर्ली पहुंच जाते हैं। जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई और हमारी जो है वो चार्टर बोट भी आ चुकी है। तो लेट्स हॉप ऑन। सफर का आगाज शुरू कर दिया हमने एंड वी हैव अ वेरी लवली जेंटलमैन डेल विद अस हू इज आवर कैप्टन टुडे। तो जो है वो हम निकल पड़े हैं फिशिंग के लिए। इट्स गोना बी गुड फन जो है। बाकी अब देखते हैं कि कितनी फिश हमें मिलती है। तो ये परफेक्ट वेदर है आज क्योंकि समर है। बैठी है सामने, तो देखते हैं अगर क्लोज जाने की कोशिश करें, अगर भाग ना गई तो वाली भी जो है वो डेंजरस हो सकती है, तो प्रिकॉशनरी मेजर लें और जो है इसे टच ना ही करें तो बेटर। लुक्स लाइक अ बिग फिश है। इट्स लाइक अ बिग, या कैरोल, दिस इज द फर्स्ट वन। स्नैपर, गुड जॉब, स्नैपर, यू लुक एट दैट स्नैपर, ब्यूटीफुल, गुड जॉब माइट, लुक एट हियर, फाइनली भाई देखो, काफी देर की मेहनत के बाद हमने रेड स्नैपर पकड़ लिया है। ओह अमेजिंग, दैट्स सो गुड, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। आई लव दिस फिश, इसका टेस्ट कमाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू लेट इट गो। ऑलराइटी, अब देखते हैं दूसरी। अनफॉर्चुनेटली हमें वो फिश छोड़नी पड़ी क्योंकि जो लीगल साइज है वो 28 सेंटीमीटर का है, तो वो जो फिश थी वो 27 सेंटीमीटर थी, तो वो हमें छोड़नी पड़नी थी जो है। और दूसरी चीज़ कि आपको
फिशिंग के लिए लाइसेंस चाहिए क्योंकि यहाँ पे अक्सर पुलिस फिर रही है, पुलिस आपको जो रोक सकती है, दे आस्क फॉर लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फाइन हो सकता है, तो इट्स बेटर कि लाइसेंस ले लो। 3 दिन का लाइसेंस आपको $10 का मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं अगर कुछ बड़ी फिश कोई और अच्छी हाथ आ जाए। लग रहा है कोई शायद पकड़ लिया, लग रहा है शायद स्मॉल मेबी टू अगेन स्नैपर। ये छोटी फिश है क्योंकि ये 27 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए हमें जो है ये छोड़नी पड़ेगी वापस ओशन में। तो गो फिश, गो गो गो, होपफुली इस बार जो है वो बड़ी फिश होगी। ओह इज अ बिग वन, आई एम नॉट श्योर। Yeah, looks big. Sounds I think it's big, yeah. Looks, oh yeah, it is. Oh, it's a pike. Very good. Pike, straight in, lift it straight in. Oh yeah, it's a good one. Oh, yeah. It's a beautiful fish, man. Best eating this one. This is better than snapper. Better than snapper. Telling you, everyone wants these only. These are the best eating fish. Okay. Watch, it's a very sharp tape. Sharp, okay. Like a, oh, just hold it here. Lord. पाइक, ये पाइक फिश है और ये जो मेरे कैप्टन साहब हैं उन्होंने कहा यार कि ये स्नैपर से भी ज़्यादा मज़े की। मैंने स्नैपर ट्राई की है और मेरे कैप्टन साहब कह रहे हैं कि ये पाइक फिश जो है मच बेटर देन स्नैपर। और ये लुक्स लाइक इज इट अ लीगल साइज, यू रेकन? यह तो ये लीगल साइज है, आप इसको रख सकते हैं, खा सकते हैं। मोर देन 27 मीटर और सेंटीमीटर, सॉरी नॉट मीटर, सेंटीमीटर। सो दैट्स गुड। ले जी, हमारे कैप्टन साहब इधर हैं, डेल, और जो कि हमें क्लीनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है चार्टर हायर करने की कि आपको ये क्लीन भी करके देंगे, आप कैच करोगे वो आप अपने घर लेके जा सकते हो। तो नॉर्मली हम ये अगर फिश बाहर से भी बाय करते हैं, इट कॉस्ट अराउंड लाइक $30 अ किलो। तो आई थिंक वट एवर मनी वी पे टू हिम वो हमने प्रीटी मच रिकवर्ड, तो दैट्स अ गुड थिंग। और ये फिशिंग का अपना मज़ा है यार, फिशिंग का एक्सेलेंट, स्पेशली जो है वो जो सी फिशिंग का और जाके आप लाइव फिशिंग करते हो उसका अपना एक मज़ा है। ले जी, जितनी फिश हमने पकड़ी थी अभी इसको फ्रेश बनाएंगे, ताज़ी जो है वो कहते हैं ना कि शिकार करो ताज़ा करो और ताज़ा खाओ। लो जी, ब्यूटीफुल, इसको कहते हैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नमक डाला, और नमक कोशिश करना कि थोड़ा डालें, उसकी रीज़न ये है कि ये सॉल्ट वाटर फिश है और जो है ना इसमें ऑलरेडी सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा नमक डाल लो और जो है वो फिर नमकीन ज़्यादा हो जाए। बाकी कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत, सिर्फ काली मिर्च, नमक और गार्लिक क्लोव्स थोड़े से डालेंगे इसको, जब हल्का सा डीप फ्राई नहीं करना, इसको शैलो फ्राई करेंगे थोड़े बटर के साथ, और हल्का हल्का सा इस पर लेमन। आहा, वाह 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 वाह, और इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर थोड़ी खुशबू के लिए। ऑलरेडी माल, ले जी दोस्तों, ये जैसे कि बताया था ये फिश बनाई है हमने, ये कुछ सैलड कटी हुई है और ये हमने मिक्स वेजीज और थोड़े से मशरूम्स जो हैं वो काटे हैं। तो फिश की बाइट जाएगी अब स्ट्रेट इनटू माय माउथ। हाँ जी दोस्तों, तो अब जो है वो इसके साथ ही फैसल राणा को इजाजत दो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ,
और वीडियो को लाइक कर दो ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा वो भी आप तक पहुंच जाए। मेरा भी नेक्स्ट में काफ़ी प्लान है चीज़ें करने का, स्पेशली जो है वो क्रैब कैचिंग का। तो इंशाल्लाह जो है वो आप सब्सक्राइब करो, सबसे पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करो, बटन को क्लिक करो, लाइक को हिट करो, और जो है वो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए आप सब अपना ख्याल रखो और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।